कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन में बेसिकली जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो यार बहुत आसान माना जाता है और समझा भी जाता है, और बहुत कम पढ़ाई करके आप एक अच्छा, लगभग कभी कभी दो क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन नीट में आ ही जाता है यार ग्रेविटेशन से, ठीक है। तो आप ग्रेविटेशन को अच्छे से समझो, बहुत आसान है इसको समझना, बहुत ही कम कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन है और सेटेलाइट में पूरा सर्कुलर मोशन आ जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत आसान है। चलो तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल हम लोग का, ये कहता है कि एक बॉडी है जो इसका वेट 32 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अर्थ को मैं अभी, जो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में ग्रेविटेशन है, वो अर्थ को होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है ना। चलो तो पूरी ग्रेविटेशन इस पर हमें डिराइव किए हम लोग, जो हमारा सिलेबस है। बॉडी वेट 30 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे 72 न्यूटन वेट है, ठीक है। वेट क्या होता भैया, वेट जिससे अर्थ हमको पुल करती है, ठीक है, सेंटर की तरफ, ठीक है ना। वेट इज इक्वल टू अर्थ के सरफेस पे कितना है, mg, दैट इज 72 न्यूटन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अब कॉमन सेंस की बात है, जब मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो जो वेट है वो घटता है। वेट क्यों घटता है, क्योंकि जी की मैग्नीट्यूड घटती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है इन्फिनिटी पे थ्योरेटिकली, ठीक है। तो ये यहाँ से ये जो हाइट है, एच हाइट में ऊपर चला गया, लेकिन एच हाइट जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, जो एच है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर वेट बदल गया होगा, डब्ल्यू डैश हो गया होगा। तो वेट को कैसे निकाला जाएगा, डब्ल्यू डैश वहाँ हो गया, दैट इज द mg डैश, मास नहीं बदलेगा, ठीक है ना, मास डज नॉट चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी डैश निकाल लोगे तो g डैश, अब h हाइट पे g डैश, जब कभी भी ऊपर जाओगे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो ध्यान देना, ऊपर जाने के लिए दो कंडीशन है, एक तो बहुत ऊपर चले गए भाई, जाते जाते बहुत ऊपर चले गए, और एक है ग्राउंड से अपने छत पर आ गए, ठीक है, जहाँ हाइट बहुत कम है। तो दोनों में जी के वेरिएशन में अलग अलग फार्मूला है, उसको लगाना, ठीक है। अगर hg इज इक्वल टू g' इज इक्वल टू gr + h का स्क्वायर, ये कब लगाओगे, जब कुछ ज्यादा हाइट पे चले जाओगे, वेन h इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, h इज कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तब h हाइट पे g की वैल्यू कैसे निकालोगे, g' इज इक्वल टू जी r + h का होल स्क्वायर। अब बहुत पास हो, अर्थ के बहुत पास हो, तो जी की वैल्यू लगाओगे, g' इज इक्वल टू g(1 - h/r)n - h/r, ये तो ये वाला हम 2h/r, तो ये फार्मूला लगाओगे जब अर्थ के बहुत ही पास हो गए। तो ये ध्यान देना है आपको, क्या यहाँ बताया गया कितनी ऊपर गए, हाँ बताया गया ना, अगर नहीं बताया जाएगा तो मैं यही लगाऊंगा भाई, ठीक है। तो ये वाला जो है एक स्पेशल केस है इसका, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला है, ठीक है, ये एक्चुअली इसका बाइनोमियल थ्योरम लगा के अजम्पशन करके आया हुआ, तो ये अप्रोप्रिएट देगा, ये एग्जैक्ट देगा, ठीक है, जब भी लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लगेगा, क्योंकि हाइट बहुत रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल, तो वहाँ पर जो वेट है वो मैं लिख सकता हूँ, वेट w' इज इक्वल टू वो आ जाएगा mg' और g' की वैल्यू डाल दो, g' की वैल्यू g, और ये आ जाएगा r + h का स्क्वायर, ठीक है, r + h का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि mg इज द वेट ऑन द अर्थ, r + r और r इज इक्वल टू हाइट कितना है, रेडियस के बराबर है, तो r का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा mg/mg/2, 4, ठीक है, mg/4, तो mg क्या है, वेट ऑन अर्थ, वेट है ना 72/4, ठीक है, तो 72 इक्वल टू रेडियस ऑफ द 17 ऑन द सरफेस, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ। एक मिनट यहाँ ध्यान देना, जो ये हाइट पूछा गया है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, ये हाफ ऑफ रेडियस ऑफ है,
ठीक है, जो हाइट है दैट इज हाइट इज इक्वल टू आर बाई टू है, ठीक है, ये एच के बराबर नहीं है, आर बाई टू है, तो यहाँ से आर बाई टू है, तो यहाँ पे सिंपली मैं रख दूंगा यहाँ पे आर बाई टू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आर बाई टू, तो ये यहाँ से आ जाएगा एक्चुअल वेट एम जी जो कि 72 है, और आर और ए आर और आर आर बाई टू हाइट आर बाई टू, इसका मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा स्क्वायर चढ़ा है 4/9 और ये मल्टीप्लाइड बाई 72, ठीक है ना, तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 72 और 832 32 न्यूटन, ठीक है, वेट कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम होगा ही, ठीक है, तो यह आ जाएगा 32, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो एक बहुत ही आसान क्वेश्चन।